समय नंबर थर्ड, पेजगी चुकाया बीमा प्रीमियम रुपया 400। तो इसे क्या करना है, तो लाभ हानि खाते में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बीमा प्रीमियम, जो हमारे सवाल में दिया गया है। बीमा प्रीमियम आप देख सकते हैं, ये दिया है बीमा प्रीमियम, सवाल में दिया है बीमा प्रीमियम कितना दिया है। बीमा प्रीमियम तो दिया है 2000, और उसे हम लोग लिखेंगे लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में बीमा प्रीमियम 2000, और पेजगी चुकाया बीमा प्रीमियम क्या करना है उसमें से कर देना है माइनस। ठीक है, 2000 माइनस 400 बाहर कितना आ जाएगा, बाहर के कॉलम में 1600। और पेजगी चुकाया बीमा प्रीमियम समायोजन है, तो इसकी दूसरी असर कहाँ आएगी, इसकी दूसरी असर आएगी पक्की तलपट के संपत्ति लेना में, पक्की तलपट के संपत्ति लेना में पेजगी चुकाया बीमा प्रीमियम 400। अब हमारा समायोजन नंबर फोर, देनदारों में से ₹800 का लेना अब वसूल नहीं होगा, देनदारों पर 5% डूबने अलामत रखिए। तो देखिए, देनदारों में से 800 लेना वसूल नहीं होगा, मतलब क्या हुआ, ये डूब ऋण हुआ। तो देनदार सबसे पहले हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो पक्की तलपट के संपत्ति लेना में। देखिए देनदार कहाँ दिया गया है, देख लीजिए, देनदार देखिए दिया गया है 36800, लिखेंगे पक्की तलपट में संपत्ति लेना में, देनदार 36800 माइनस डूबत ऋण कितना बोला है 800 समायोजन में, और माइनस करना कितना आएगा यहाँ पर 36000, और डूबत ऋण अनामत कितना बोला है 5%, यानी 36000 का 5% निकालेंगे कितना निकलेगा 1800। तो 36000 माइनस 1800 बाहर के कॉलम कितना आ जाएगा 34200, ये कहाँ लिखना है हमें, संपत्ति लेना में पक्की तलपट के। और अब इसकी दूसरी रसम जो है हमें डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत की देनी होगी हमें लाभ हानि खाते में, इस प्रकार से देना होगा आपको। सबसे पहले देखिए समायोजन में जो आपके सकल तलपट में जो डूबत ऋण दिखा है दिया हुआ वो नोट करेंगे, डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत दोनों दिया गया, डूबत ऋण दिया 400, डूबत ऋण अनामत दिया 2000। तो यहाँ लिखेंगे इस प्रकार से, डूबत ऋण सकल तलपट का 400 प्लस डूबत ऋण अनामत प्लस डूबत ऋण समायोजन का जो हमने 800 अभी जो है माइनस किया देनदार में से वो प्लस होगा, प्लस डूबत ऋण अनामत जो अभी हमने 5% निकाला 1800, तीनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 3000, और माइनस डूबत ऋण अनामत जो हमने सकल तलपट में देखा तो बाहर के कॉलम कितना लिख देना आपको 1000। कहाँ लिखना है, लाभानी खाते में, ठीक है, बाहरी कॉलम में कितना आ जाएगा 1000। और देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है पांचवें नंबर के समायोजन में, देनदारों पर बट्टा नामत की अब जरूरत नहीं है। इसका मतलब आपको क्या करना है, देनदार पर अब समायोजन में बट्टा नामत नहीं दिया गया, नहीं सोल्व उसको नहीं निकालना है बट्टा नामत हमें। फिर दिया है सिक्स नंबर में, प्लांट यंत्र पर 20% की दर से तथा फर्नीचर पर 5% की दर से घिसाई गई नहीं है। तो देखिए आप देख सकते हैं प्लांट यंत्र और फर्नीचर कहाँ लिखेंगे, पक्की तलपट के संपत्ति लेना में लिख देंगे सबसे पहले, तो जमीन मकान फर्नीचर, ठीक है, प्लांट यंत्र फर्नीचर, देखिए देख सकते हैं प्लांट यंत्र कितना दिया गया है 40000, प्लांट यंत्र 40000, और क्या बोला गया है, और बोला गया है फर्नीचर, फर्नीचर कितना दिया गया है 10000, यहाँ लिख देंगे प्राण याद 40000, फर्नीचर 10000, और उन पर देखिए घिसाई इस प्रकार से निकालना है आपको, घिसाई प्राण यंत्र पर बोला है 20%, यानी 40000 का 20% कितना आएगा 8000, फर्नीचर पर 5%, यानी 10000 का 5% कितना आएगा 500, और घिसाई को हमें क्या करना है, उसी में से संपत्ति लेना में उसी में से प्राण यंत्र में समायस कर देना है, 40000 माइनस 8000 उसकी घिसाई बाहर के कॉलम कितना आ जाएगा 32000, 10000 माइनस 500 बाहर के कॉलम कितना आ जाएगा 9500। अब इस घिसाई की आपको दूसरी असर देनी होगी लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में, देखिए लाभ हानि खाता उसके उधार पक्ष में लिखना है आपको, यहाँ पर घिसाई प्राणी यंत्र पर 8000, फर्नीचर पर 500, टोटल मिला के बाहर कितना आ जाएगा 8500।